हेलो गाइस, व्हाट्सअप नमस्ते। तो आज की इस वीडियो पे काफी कमाल के 6 प्लस फीचर्स जो कि व्हाट्सअप के टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स, फैक्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो काफी यूजफुल एंड अमेजिंग मैजिक फीचर्स भी आप बोल सकते हो। गाइस, अगर आप एक व्हाट्सअप यूजर हो या फिर आप डेली व्हाट्सअप चलाते हो तो इस टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, वेल अगर आप एक व्हाट्सअप यूजर हो तो। बट इससे पहले गाइस, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज गाइस लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गाइस, आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे काफी सारा मोटिवेट मिलता है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले गाइस, अभी तक आप अपने व्हाट्सअप को अपडेट नहीं किया तो सबसे पहले गाइस आप अपने व्हाट्सअप को जरूर अपडेट कर लेना। नेक्स्ट, अपडेट करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले गाइस आप अपने व्हाट्सअप को ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल गाइस, अगर आप अपने व्हाट्सअप पर किसी को भी फोटोज, वीडियोस चैट करते हो या फिर आपको कोई फोटोज, वीडियोस चैट करता है, बाय मिस्टेक्स या फिर गलती से आप किसी भी फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो को डिलीट करते हो, जस्ट आप उसे कुछ ही सेकंड्स में रिकवर भी कर सकते हो। जस्ट गाइस, यहाँ पर मेरे पास है 4 फोटोज, देन यहाँ पर मैं 4 फोटोज को डिलीट करने वाला हूँ, देन रिकवर भी करने वाला हूँ जस्ट आपके सामने। लाइक मैं इसके ऊपर टैप एंड होल्ड, नेक्स्ट डिलीट फॉर मी। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो फोटोज डिलीट, नेक्स्ट अंडू। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आपके फोटो रिकवर हो जाएंगे। कुछ ये ट्रिक फॉलो करके आप आसानी से किसी भी फोटोज, वीडियोस को डिलीट किए हुए रिकवर कर सकते हो। वेल गाइस, ये फीचर्स आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2, फॉर एग्जांपल गाइस, अगर आप अपने व्हाट्सएप पर कोई भी एचडी स्टेटस लगाते हो, अगर आप अपने व्हाट्सएप से किसी को भी फोटोज सेंड करते हो, काफी हद तक आपके फोटो की क्वालिटी काफी हद तक बेकार हो जाएगी। बट यहाँ पर मैं आपको एक सेटिंग्स बताने वाला हूँ, अगर आप अपने डिवाइस पर इस सेटिंग्स को ऑन करोगे, डेफिनेटली 100% आप किसी को भी फोटो सेंड करोगे वो फोटो एचडी में सेंड होने वाला है। गाइस यहाँ पर आपको 3 डॉट, नेक्स्ट सेटिंग, नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक फीचर्स मिल जाएगा, स्टोरेज एंड डाटा। लाइक आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक फीचर्स मिल जाएगा, फोटो अपलोड क्वालिटी। लाइक आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट ये आपका ऑटो में सेलेक्ट होगा। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर आप डाटा सेवर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। अगर आप एचडी क्वालिटी में फोटो सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको टिक लगाना है। आपसे गाइस मान लो, अगर आप अपने व्हाट्सएप से किसी को भी फोटो सेंड करोगे, जिस क्वालिटी का आपने फोटो सेंड किया, आगे वाले पर्सन के पास उसी क्वालिटी का फोटो सेंड हो जाएगा। वेल गाइस, व्हाट्सएप का ये भी फीचर्स आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3, फॉर एग्जांपल गाइस, अगर आप अपने व्हाट्सएप से किसी को भी चैट करते हो, बाबू सोना, किसी को भी XYZ, अगर आप अपने व्हाट्सएप पर किसी को भी चैट करते हो या फिर उस चैट को आप किसी भी पर्सन को नहीं दिखाना चाहते हो, आप उस चैट को हाइड कर सकते हो, वो भी व्हाट्सएप में विदाउट एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। तो गाइस सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, नेक्स्ट यहाँ पर आर्काइव्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये चार्ट आर्काइव में चला गया है, वेल ये कोई भी नहीं देख सकता है आपका चार्ट। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आपका चार्ट आर्काइव्स में चला गया है। अगर आप उस चार्ट को देखना चाहते हो, नेक्स्ट आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, नेक्स्ट आप यहाँ पर आपको कोई भी आपका चार्ट नहीं देख सकता है। अगर आप इसे हाइड करना चाहते हो तो इसे भी आप हाइड कर सकते हो। सबसे पहले गाइस यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट 3 डॉट, नेक्स्ट सेटिंग, नेक्स्ट यहाँ पर आपको इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आर्काइव चार्ट यहाँ से भी हट जाएगा, जस्ट यहाँ पर आपको सबसे नीचे मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। लाइक आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ही आपका व्हाट्सअप चार्ट आप देख सकते हो या फिर कोई भी देख सकता है, बट अगले वाला पर्सन आपका चार्ट आसानी से नहीं देख सकता है। वेल गाइस, ये हाइड वाला फीचर्स आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 4, ये भी काफी यूनिक फीचर्स होने वाला है आप सभी के लिए। फॉर एग्जांपल गाइस, अगर आप अपने व्हाट्सएप पर किसी को भी फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस सेंड करते हो, जो आपने वीडियोस, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स सेंड किया है उसके बारे में आप कुछ भी टेक्स्ट यानी कि टाइटल लिखना चाहते हो, ये आप अपने व्हाट्सएप पर लिख सकते हो। एक न्यू फीचर्स भी आप बोल सकते हो। सबसे पहले गाइस यहाँ पर मैं गैलरी के ऊपर क्लिक करूंगा, नेक्स्ट यहाँ पर मैं इस वाले फोटो के ऊपर क्लिक करूंगा, नेक्स्ट ये वाला फोटो सेलेक्ट, नेक्स्ट गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एड ऑप्शन का फीचर्स भी मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं नाइस लिख देता हूँ, नेक्स्ट जैसे ही मैं सेंड करूंगा तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आपके फोटो में आपका जो भी आपने टेक्स्ट ऐड किया है वो शो हो जाएगा। ये न्यू फीचर से आई होप ये अपडेट करने के बाद ही आपको मिलने वाला है। तो फैक्ट नंबर 5, ये काफी यूनिक एंड यूजफुल फीचर्स होने वाला है आप सभी के लिए। फॉर एग्जाम्पल गाइस, अगर आप अपने व्हाट्सएप पर पूरे दिन ऑनलाइन होते हो फिर भी किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन को आप ऑनलाइन या फिर लास्ट सीन हाइड करना चाहते हो या फिर किसी को भी आप अपना लास्ट सीन या फिर ऑनलाइन स्टेटस हाइड करना चाहते हो तो सिंपल आप ये आप अपने व्हाट्सएप पर कर सकते हो। सबसे पहले गाइस यहाँ पर आपको 3 डॉट, नेक्स्ट सेटिंग, नेक्स्ट यहाँ पर आपको प्राइवेसी का फीचर्स मिल जाएगा,
बट ये प्राइवेसी का फीचर्स आपको अकाउंट के अंदर मिल जाएगा, यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। अगर आपने व्हाट्सअप अपडेट कर लिया तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी का फीचर्स अलग मिल जाएगा। लाइक आपको यहाँ पर प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट में एक फीचर्स शो हो जाएगा, लास्ट सीन ऑनलाइन स्टेटस। लाइक आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सेम हैज लास्ट सीन, यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक लगाना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको उन मेम्बर्स को सेलेक्ट करना है जिनको भी आप अपना लास्ट सीन ऑनलाइन स्टेटस हाइड करना चाहते हो, या फिर उन पर्सन को आप अपना लास्ट सीन नहीं दिखाना चाहते हो। यहाँ पर मैं अक्षय के ऊपर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो वन कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेड, बट अब ये पर्सन मेरा व्हाट्सअप पर लास्ट सीन या फिर ऑनलाइन स्टेटस नहीं देख सकता है। मैं पूरे दिन ऑनलाइन भी क्यों ना रहूँ फिर भी ये मेरा ऑनलाइन नहीं देख सकता है। अगर मैं ऑफलाइन जाता हूँ तो फिर भी ये मेरा लास्ट सीन नहीं देख पाएगा। गाइस ये व्हाट्सअप का फीचर्स आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 6, फॉर एग्जांपल गाइस अगर आप अपने व्हाट्सअप से किसी को भी चैट, फोटोज, वीडियोस या फिर कोई भी स्टेटस ऐड करते हो, जस्ट आप किसी को भी रिप्लाई करते हो या फिर आपको कोई रिप्लाई करता है या फिर आपका कोई फोटोज, वीडियोस, स्टेटस भी देख लेता है, तो यहाँ पर आपको ब्लू टिक शो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आगे वाला पर्सन आपका मैसेज या फिर फोटोज देख लिया है, बट आप इस ब्लू टिक को हाइड भी कर सकते हो। वेल गाइस अगर आप किसी को भी चैट करोगे या फिर आपको कोई चैट करेगा उस मैसेज को आप देख लेते हो, अगर आपको वो चैट भी करता है उसका आप चैट भी देख लेते हो फिर भी उसको ये पता नहीं चलेगा कि वो आपका स्टेटस या फिर चैट देख लिया है। बट इसको सबसे पहले करने के लिए गाइस यहाँ पर आपको 3 डॉट, नेक्स्ट सेटिंग, यहाँ पर आपको प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक फीचर्स मिल जाएगा रीड रिसिप्ट, ये बाय डिफॉल्ट आपका ऑन होगा, लाइक आप इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपसे अगर आप अपने व्हाट्सएप पर किसी का भी स्टेटस देख लेते हो तो आगे वाले पर्सन को पता नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देख लिया है। वेल गाइस अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज या फिर वीडियोस चैट करता है उसके फोटोज, वीडियोस, चैट को भी आप देख लेते फिर भी ये उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उसका मैसेज, फोटोज, स्टेटस देख लिया है। आपको ब्लू टिक ही शो नहीं होगा, आप कोई भी मैसेज, कोई भी स्टेटस देख सकते हो, आगे वाले पर्सन को पता नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस, चैट, फोटोज देख लिया है। वेल गाइस व्हाट्सएप के फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, हैक्स के बारे में आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट हो चुके हो तो प्लीज गाइस दिल से लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।